झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया। वो ये कहते हुए नजर आए कि झारखंड पुलिस ने जासूसी की है चंपई सोरेन के और दो एजेंट्स को दिल्ली तक लगाया था। ये बात कहते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा नजर आए। राजनीति होते हुए इस वक्त नजर आ रही है, आपने देखा रिपोर्ट के जरिए कि कैसे कांग्रेस पार्टी भी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर सवाल खड़े कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि जासूसी आखिर किसके इशारे पर की गई। असम के सीएम ने दावा किया है कि झारखंड पुलिस ने चंपई की जासूसी की और दो एजेंट्स ने दिल्ली तक चंपई का छापा भी किया। ये बात कहते हुए वो नजर आए थे। तो पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने ये बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि जासूसी की गई है। दरअसल अब ऐलान कर दिया गया है चंपई सोरेन की तरफ से जासूसी की गई है, ये उनका दावा है, हेमंता का दावा है। और झारखंड पुलिस ने जासूसी की है ये हेमंता दावा कर रहे हैं। दिल्ली तक चंपई का पीछा किया गया है क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ताज होटल में चंपई की जासूसी हुई है। हेमंत बिस्व शर्मा ने यह भी बड़ा दावा किया है, एक महिला भी ताज होटल गई थी और दिल्ली पुलिस ने दो एजेंट्स को इस पूरे मामले में पकड़ा है। पकड़े गए जासूस सब इंस्पेक्टर है, ये बड़ी जानकारी उनकी तरफ से दी जा रही है। जहां वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, एजेंट ने जासूसी की बात भी कबूल ली है। चंपई सोरेन की जासूसी गंभीर मुद्दा है, ये हेमंत शर्मा के बड़े दावे हैं जिन्होंने कहा है कि चंपई सोरेन की जासूसी की गई है जो कि गंभीर मुद्दा है। और अब 30 अगस्त को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले। हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। माननीय मंत्री भी है और साथ में सब जानते हैं कि वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड भी है, लेकिन काल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे, स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा। जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया साथ में चंपई सोरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये दो व्यक्ति है, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए। करते पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से जन आक्रोश है, इस बीच ममता बनर्जी का बेहद विवादित बयान सामने आया है। वो ये कह रही हैं कि बंगाल में आग लगाने की साजिश की जा रही है, अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा। ये तो सीधे सीधे धमकाती नजर आ रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जिनके खिलाफ जन आक्रोश है सड़कों पर, छात्रों का बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के हाथों शायद एक तरह से कहें स्थितियां संभलती नजर नहीं आ रही, जिसके बाद वो बेहद विवादित बयान दे रही हैं। वो ये कह रही हैं कि बंगाल में आग लगाने की साजिश, बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा। सुनिए क्या कहा। तो अब सवाल यह है कि बंगाल को संभालने की जरूरत है, लोगों के विश्वास को हासिल करने की जरूरत है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी जो बयान दे रही हैं, वो बयान सीधे सीधे धमकी भरा बयान है। वो ये कह रही हैं कि बंगाल में साजिश रची जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी का बंगाल में जब भी स्थितियां कंट्रोल से बाहर होती है तो इस तरह का बयान सामने आता है कि साजिश रची जा रही है। अब जब बंगाल में खुद को घिरता वो देख रही हैं, तो वो कह रही हैं कि अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली जलेगा और इसका असर नॉर्थ ईस्ट पर भी होगा। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जो ये बयान है इसके मायने कितने बड़े हैं, क्योंकि ममता बनर्जी एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री होने के नाते वो अगर इस तरीके का बयान दे रही है तो ये सीधे सीधे बता रहा है कि ममता बनर्जी किस तरह से बौखला गई है। ये ममता बनर्जी की बौखलाहट है जो सामने आ रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बंगाल में आग लगाने की साजिश की गई, ये भी बात कहते हुए ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। लेकिन ममता के इस बयान के मायने जो है कई निकाले जा रहे हैं, क्योंकि विवादित टिप्पणी उस वक्त पर ममता बनर्जी की तरफ से की गई जब उन्हीं के प्रदेश में हम देख रहे हैं कैसे घसीटा जा रहा है प्रदर्शनकारियों को, जो प्रदर्शनकारी लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं उन पर पानी की बौछारें छोड़ी जाती है, उनको घसीटा जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, उनको जेल में डाला जाता है। और उसी पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि जहां पर ममता बनर्जी को प्रदर्शनकारियों की बात सुननी चाहिए थी, वही ममता बनर्जी विवादित टिप्पणी कर रही हैं और कह रही हैं कि दिल्ली का हाल भी ऐसा ही होगा, अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगा। और ये तमाम बड़ी बात कहते हुए वो नजर आई हैं। हिंदुओं की एकता के लिए जात पात सबसे बड़ी दीवार, जब तक ये नहीं मिटेगी तब तक हिंदू एकता नहीं होगी। 160 किलोमीटर हम पैदल चलकर भारतीय हिंदुओं को जगाने का संकल्प लिया है।
लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और पूरी दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, अब वक्त आ चुका है कट्टरपंथियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का। देखिए बागेश्वर बाबा की तरफ से एक टिप्पणी की गई है। बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए कहा, मंत्र दिया, और आखिरकार किस तैयारी में बाबा बागेश्वर, इस रिपोर्ट को आप देखिए। दो चार साल और आप साथ दो, सब हरी हरी बोलेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है, घोषित होकर रहेगा। अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि आने वाले समय में भारत पर संकट भारी है। एक तरफ भारत के पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी आस्था का केंद्र मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, रोजी रोटी के जरियों को छीना जा रहा है, तो वही बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत में रह रहे हिंदुओं को बार बार चेता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, एकजुटता का मंत्र दे रहे हैं, आने वाले समय के लिए तैयार रहने का आह्वान कर रहे हैं, जात पात से उठकर साथ आने की बात कह रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो बांग्लादेश में हो रहा जैसी स्थिति पाकिस्तान में हिंदुओं की है वैसा यहाँ भी हो। आने वाले समय के लिए हम लोगों को अभी से तैयार होना पड़ेगा, इसलिए हिंदुओं की एकता होना बहुत आवश्यक है। हिंदुओं की एकता के लिए जात पात सबसे बड़ी दीवार है। जब तक ये नहीं मिटेगी तब तक हिंदू एकता नहीं होगी। हिंदू एकता नहीं होगी तो राष्ट्र की समृद्धि में रुकावट रोड़ा हमेशा बना रहे, इस देश के विकास में सबसे बड़ा अवरोध यही है। हिंदुओं को एक करने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बड़ी क्रांति करने की तैयारी में है। 10 दिनों में 160 किलोमीटर पैदल चलकर हिंदुओं को जगाने का संकल्प लिए बैठे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पूरी दुनिया में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर आवाज उठा रहे हो। इससे पहले भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं से एक साथ आने की अपील कर चुके हैं। मर जाना पर सनातनीय हिंदुओं अपनी एकता मत छोड़ना, तुम्हारा एक होना बहुत जरूरी है, खासकर विदेशी धरती पर। यहां तुम्हारे पास सब कुछ है, भगवान की कृपा है और ईश्वर करे और रहे, पर अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को मत छोड़ना। एक तरफ एकता का मंत्र तो दूसरी तरफ बाहरी मुल्कों में मंदिरों में हो रही तोड़फोड़ की चिंता। ऐसे कट्टरपंथी ताकतों को धीरेन्द्र शास्त्री पहले भी जवाब दे चुके हैं, बता चुके हैं कि अगर सनातन एक साथ हो जाए तो मंदिर पर हमले की हिम्मत किसी की नहीं होगी। एक मंदिर के ऊपर कोई उंगली उठाए तो मैं सौगंध है भारत की तुरंत एकता के साथ खड़े हो जाना। हमारी प्रार्थना है, और ये अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम जीते जी बुझ दिल हो, खुद भी जागो दूसरों को भी जगाओ। साफ है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया में कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं को नफरत की आग में धकेल रही है, कैसे हिंदुओं को धार्मिक कट्टरता का शिकार बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, और यही वजह है जिससे बचने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं से एक साथ आने की, एकजुट रहने की बार बार अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए जरा आपको बताते हैं कि जो बाबा की यात्रा है, पद यात्रा, ये किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। कितने किलोमीटर होगी? 107 किलोमीटर की ये हिंदू एकता यात्रा है। रोज 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे बाबा। 8 जगहों पर रुकने की भी प्लानिंग है। राष्ट्र ध्वज लेकर के रोज राष्ट्रगान होगा। बाबा ने हिंदुओं को जगाने का संकल्प लिया है, जिसमें गांव गांव में लोगों को जगाने का ही संकल्प लिया गया है। जात पात मिटाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे का नारा इस दौरान दिया जाएगा। जो ये पद यात्रा होगी इसमें जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है, सबसे अहम है कि हिंदुओं को जगाना है। अगली खबर के लिए रुक करेंगे।